वेलकम व्यूवर्स, मेरा नाम है मौसमा और आप देख रहे हैं मौसमा यूट्यूब चैनल। कैसी हैं व्यूवर्स? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सदा खुश और आबाद रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको हर मुसीबत से बचाए, आमीन। और प्लीज़ व्यूवर्स मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज मैं अपने बच्चों की फरमाइश पर व्यूवर्स में बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट मैं किस तरह से बनाती हूँ आइए मैं आपको बताती हूँ। व्यूवर्स, फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूवर्स, ब्रेड हमें चाहिए 7 से 8 अदद, जितना मतलब आप बनाना चाहें आप उतने ब्रेड ले लें। और एग में लूँगी 3 अदद और शुगर में लूँगी हसब ज़रूरत लूँगी। व्यूवर्स, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने मुताबिक डाल दें, अगर आप कम पसंद करते हैं तो शुगर आप कम डाल दें। और आयल में लूँगी फ्राई करने के लिए 1/2 बाउल तो मैंने लिया है और उस टाइम मैं देखूँगी कि मुझे मतलब कितना चाहिए होगा। और 1 बाउल मैंने लिए है मिल्क लिया है। तो आइए व्यूवर्स मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ्रेंच टोस्ट में किस तरह से बनाती हूँ। व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने बाउल में मैंने 3 अदद मैंने एग मैंने डाल दिए हैं और अब इसमें मैं दूध में डाल दूँगी। और इसमें मैं साथ में शुगर में डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल व्यूवर्स में थोड़ा मैं डाल रही हूँ तो मैं फिर चेक करूँगी फिर। और अब इसको व्यूवर्स में मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने स्पून से या आप बीटर से भी कर सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और व्यूवर्स आपने इसको उस टाइम तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी शुगर जो है वो दूध और एग में बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो व्यूवर्स मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और उसके बाद आप लोगों का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपके सपोर्ट की वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 1000 पूरे हो गए हैं। और प्लीज़ व्यूवर्स मुझे फिर इसी तरह प्लीज़ फिर व्यूवर्स मुझे आगे भी सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा। इसको मज़ीद व्यूवर्स में 5 मिनट तक मैं और मैं इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। और व्यूवर्स अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा कलर हो तो आप इसमें फूड रेड कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। व्यूवर्स ये देखिए, ये मैंने फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, मैंने बस इसमें थोड़ा मैंने ऑयल डाला है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ्रेंच टोस्ट जो है वो किस तरह से बनाती हूँ। व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने इसमें ब्रेड जो है मैंने इसमें डिप मैंने कर लिया है और अब मैं इसमें ऑयल में मैं डाल दूँगी। व्यूवर्स ये देखें, ये मैंने ऑयल में मैंने इसमें मिक्सर में मैंने डिप करके, और ज़्यादा डिप आपने नहीं करना है ज़्यादा देर क्योंकि ब्रेड जो है फिर वो टूट जाएंगे। और मैंने इसको डिप करके और मैंने इसको ऑयल में मैंने डाल दिया है। और व्यूवर्स आंच आपने हल्की रखनी है क्योंकि अगर आपने आंच तेज़ रखी तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। ये देखें, ये फ्रेंच टोस्ट की फाइनल लुक है। और व्यूवर्स मैंने फ्रेंच टोस्ट जो है वो अपने बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाया है और मेरे बच्चे तो व्यूवर्स बहुत शौक से खाते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएगा इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएंगे। और मैं अपने बच्चों को व्यूवर्स में लंच बॉक्स में भी मैं देती हूँ, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यूवर्स। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।